नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ऑल इन यू नेशन में। किसान आंदोलन का दंड, किसान आंदोलन समाप्त पूरी तरीके से, क्योंकि केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक की और पीयूष गोयल ने भी साथ में बैठक की किसान नेताओं के साथ। 40 किसान संगठन की 40 किसान संगठनों ने बैठक किया पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं विज्ञान भवन का, जिसमें किसानों के साथ लंगर खाते हुए तस्वीरें वायरल हो रही हैं नरेंद्र सिंह तोमर की और पीयूष गोयल की। उसके बाद तस्वीर दिखाएंगे हम आपको, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल के साथ किसान संगठनों के नेताओं ने सेल्फी लिया। देखिए यह तस्वीर, इस तस्वीर में नरेंद्र सिंह तोमर कतार में लगे हुए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की यह शालीनता और ये जो किसानों के बीच इतने सभ्यता से पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर और उन्होंने किसानों के साथ खाना खाया लंगर में। अब दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर जो आ रही है इसमें आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा कि एक किसान, सिख किसान, जो कि सेल्फी ले रहे हैं पीयूष गोयल से। पीयूष गोयल के साथ नरेंद्र सिंह तोमर भी खड़े हैं। ये लंच ब्रेक में सेल्फी ली गई है। ये जाहिर करता है कि किसान किसके साथ हैं और किसान नेता किसके साथ हैं। लेकिन साहब सवाल उठता है, फिर राकेश टिकैत किसके साथ हैं? राकेश टिकैत का भी बयान आया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर कृषि बिल वापस नहीं होता है तो हम मानने के लिए राजी नहीं होंगे। लेकिन सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि वो कृषि बिल वापस नहीं लेगा और सुधार के लिए तैयार है। सातवीं बार की बैठक हो रही है। अगर किसान नेता आंदोलनकारी चाहते हैं कृषि बिल में कोई सुधार हो तो सुधार हो सकती है, लेकिन कृषि कानून को किसी भी हाल में रद्द नहीं किया जाएगा। ये खबर आई है अभी तक में, जो भी चल रहा है वहां से जो खबर आई है कि सरकार ने संकेत स्पष्ट कर दिया है और साफ तौर पर बैठक में बोला है कि कृषि आंदोलन समाप्त नहीं होगा, कृषि बिल को वापस नहीं किया जाएगा, बल्कि कृषि आंदोलन को समाप्त करना पड़ेगा। और साफ कृषि आंदोलन अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि 40 किसान संगठनों ने समर्थन किया है प्रधानमंत्री मोदी का, कृषि मंत्री का, और इन किसान संगठनों ने सेल्फी भी लिया नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल के साथ। आपको बता दें कि किसानों और सरकार के बीच लंबे वक्त से बातचीत विज्ञान भवन में हुई। इस बीच विज्ञान भवन के बाहर लंगर की व्यवस्था भी की गई। कई किसानों ने भोजन भी किया कतार में बैठ के। कुछ ने कहा कि हम सरकार के द्वारा दिए गए लंगर से खाना नहीं खाएंगे। अब ऐसे राकेश टिकैत, जिनके समर्थक अगर उस किसान आंदोलन में हैं, उनसे सवाल करना चाहिए कि आप तो मंदिर से खाना मांग रहे थे, मंदिरों से पुजारियों से आपको खाने की जरूरत थी, आप खाने की डिमांड कर रहे थे। आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने साफ तौर पर कहा कि पुजारी हमको खाना नहीं देते हैं, मंदिर हमको चंदा नहीं दे रहे हैं, चाय नहीं पिला रहे हैं। अब ऐसे में सरकार के भोजन को आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं आपको भोजन की जरूरत नहीं है साहब, आपको चंदे की भी जरूरत नहीं, क्योंकि भोजन और चंदे की भरमार है आपके पास। दरअसल आपको मंदिर और गुरुद्वारे का मुद्दा खींचना था, जो मुद्दा साफ तौर पर दिखाता है कि आप राजनीति कर रहे हैं किसानों को भड़काने की, साथ ही साथ पंजाब के लोगों को बांटने की और सिखों को हिंदुओं से बांटने की राजनीति हो रही है। मीटिंग, ये तस्वीरें देखिए, एनआई ने ट्वीट किया है, मीटिंग बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड फॉर्मर लीडर्स ओवर थ्री फॉर्म लॉ अंडरवे एट विज्ञान भवन। विज्ञान भवन में बैठकों की तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं कि किसान संगठन तैयार है बजाय राकेश टिकैत के। दरअसल राकेश टिकैत से सवाल किसान संगठनों को भी करना चाहिए कि राकेश टिकैत जी, कितना पैसा लिया है किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए? कितना पैसा खाया है कांग्रेस से? कितना पैसा आम आदमी पार्टी से खाया है जो आप बिल पूरी तरीके से लौटाने पर अड़े हैं? दरअसल ये आंदोलन को लंबा खींचना इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये अपना राजनीतिक करियर सेट करना चाहते हैं, और यही चीजें
इनके अंत का कारण बनेगी, यानी कि इस किसान आंदोलन का। जब अड़ियल रवैया अपनाएंगे तो सरकार सख्त होगी और सख्ती से इनके ऊपर कार्रवाई होगी। आपको बता दें किसानों और सरकार के बीच बातचीत हुई। इससे पहले यूनियन के मनजीत सिंह ने कहा कि अगर सरकार चाहती है कि आंदोलन खत्म हो तो उन्हें कृषि आंदोलन को वापस लेना चाहिए। क्या कृषि आंदोलन को वापस लेने से काम चलेगा? कृषि आंदोलन अगर वापस होता है, यह जरूरी है कृषि आंदोलन वापस हो, लेकिन तीनों कानून वापस होगा तो किसानों की जो एक उम्मीद है, किसान चाहते हैं कि इस देश में बदलाव हो, 70 साल से जो एक परंपरा चली आ रही थी उसमें बदलाव हो, लेकिन अगर कृषि कानून पूरी तरीके से वापस होता है तो फिर से उसी ढर्रे में बिचौलियों के तले दबा रहेगा किसान और बिचौलियों से प्रभावित रहेगा। शायद ये बिचौलियों के बचाव में गेम खेल रहे हैं और बिचौलियों की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं राकेश टिकैत स्वयं। लेकिन विज्ञान भवन से जो खबरें आ रही हैं उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि जो नेता हैं, किसान नेता हैं, वो सेल्फी ले रहे हैं और आंदोलन समाप्त होने की उम्मीद आ रही है। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश का कहना है, उन्हें उम्मीद है आज ही किसान आंदोलन समाप्त हो जाएंगे। जैसा कि हमने कहा, किसान आंदोलन समाप्त, आज किसान आंदोलन समाप्त हो जाएंगे। सरकार किसानों के साथ खुले मन से बात कर रही है, जो भी सुझाव आएंगे उन पर विचार किया जाएगा। ये बड़ी बात है, बड़ी खबर है और लोग तैयार हैं कि किसान आंदोलन पे। अब राजनाथ सिंह का एक बयान बता दें आपको, किसान आंदोलन पे कृषि कानूनों को लेकर लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर रही है। ऐसे में राजनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि वो एक किसान परिवार में पैदा हुए हैं, ऐसे में वो राहुल गांधी से अधिक खेती के बारे में जानते हैं। कृषि कानूनों को किसानों की भलाई के लिए लाया गया है। किसान आंदोलन में शामिल किसानों पर खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप लगने पर राजनाथ सिंह ने कहा कि किसानों पर इस तरह का आरोप नहीं लगना चाहिए, हम किसानों का सम्मान करते हैं, वो अन्नदाता हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार किसानों के साथ कृषि कानून के हर मसले पर चर्चा करने को तैयार है। नए कानून किसानों के भलाई के लिए हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो सरकार से चर्चा करें। खुला निमंत्रण है सरकार से चर्चा करने के लिए, लेकिन जब खालिस्तान का मुद्दा उठता है तो ऐसे नहीं मुद्दा होता है, अनायास ही कोई मुद्दा नहीं आ जाता। आप सबूत देते हैं, आप वहां पे ऐसी व्यवस्था करते हैं जिसकी वजह से ये मुद्दे आते हैं। तो आपको बता दें खालिस्तानियों ने झंडा बुलंद किया, खालिस्तान के नारे लगाए किसान आंदोलन में, प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी तक दी गई कि जैसे इंदिरा गांधी को उड़ाया था वैसे ही मोदी को उड़ा देंगे। इसके अलावा दिल्ली दंगाइयों के पोस्टर्स लगे, देश के टुकड़े करने वाले नारा लगाने वाले जेडीयू के कई दंगाइयों के पोस्टर्स लगे, उनके रिहाई की मांग हुई। यह चीज़ें जाहिर करती हैं कि किसान आंदोलन में कितनी अव्यवस्था हो गई थी और कितना दिशा विहीन किसान आंदोलन हो गया था। फिलहाल हमारे कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।